तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते गुरुवार ईद के खास मौके पर 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, जिसने सिनेमाघरों में 4 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में 5वां दिन चल रहा है। और दोस्तों आज 5वें दिन भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़े मियां छोटे मियां के सामने था बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म मैदान का सबसे बड़ा चैलेंज, और मैदान फिल्म को भी आज सिनेमाघरों में 5वां दिन चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मैदान और बड़े मियां छोटे मियां अपने पहले 4-4 दिनों में ऑफिशियली इंडिया के अंदर टोटल कितनी कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन रहा, और दोस्तों आज अपने 5वें दिन ये फिल्म कितनी कितनी कमाई करने वाली है, और इन फिल्मों का 5 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें बड़े मियां छोटे मियां की, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो कि अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी थी, जिसको प्रोड्यूस किया था वासु भगनानी, जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख ने। और फिल्म में हमें अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, पृथ्वीराज सुकुमारन, मानुषी छिल्लर, सोनाक्षी सिन्हा और रोनित रॉय अहम किरदारों में नजर आए थे। फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए का था और फिल्म ने अपने पहले दिन जहां इंडिया से 15 करोड़ 65 लाख रुपए कमाए थे, तो वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो 36 करोड़ 33 लाख रुपए था। उसके बाद फिल्म ने अपने 2 दिनों में 55 करोड़ 14 लाख रुपए पूरे वर्ल्ड से कमा लिए थे, और फिल्म का जो 3 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो 76 करोड़ 1 लाख रुपए था। उसके बाद चौथे दिन फिल्म ने जो इंडिया से कलेक्शन किया, यानी कि अपने पहले संडे को, वो किया 9 करोड़ 5 लाख रुपए का, और फिल्म के 4 दिनों की जो टोटल कमाई है वो 40 करोड़ 80 लाख रुपए इंडिया से नेट हो चुकी है। वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन है वो 48 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका है। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए हैं 47 करोड़ 68 लाख रुपए, और कुल मिला के फिल्म की जो पूरे वर्ल्ड में टोटल कमाई है वो 96 करोड़ 18 लाख रुपए हो चुकी है। दोस्तों ये ऑफिशियली रिपोर्ट आपको दे रहा हूं 4 दिनों की। फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 96 करोड़ 18 लाख रुपए 4 दिनों में कमा लिए हैं। वहीं दोस्तों आती है बात आज 5वें दिन की, यानी कि आज फिल्म का 5वां दिन चल रहा है। तो दोस्तों आज की ऑक्यूपेंसी भी उतनी ज्यादा बेहतर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है, और जिस हिसाब से अपने पहले दिन से ये फिल्म कमाई कर रही है अभी तक, तो 5वां दिन भी फिल्म का ठीक ठाक ही चल रहा है। फिल्म आज भी कम से कम 4 करोड़ रुपए कमा रही है, और दोस्तों फिल्म की जो 5 दिनों की टोटल कमाई है वो 44 करोड़ 50 लाख रुपए इंडिया से नेट हो जाएगी, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 105 करोड़ रुपए कर रही है। और दोस्तों अभी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल तो फ्लॉप चल रही है। लेकिन चलिए बात करते हैं बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म मैदान की। दोस्तों मैदान की मैं जितनी तारीफें करूं कम है, ऑडियंस ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन ये फिल्म नहीं कर पाई, हालांकि फिल्म को कहीं से निगेटिविटी भी नहीं मिली, हर कोई फिल्म की तारीफें कर रहा है, फिल्म को क्रिटिक्स ने भी अच्छे रिव्यूज दिए थे, लेकिन बावजूद इसके बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही जितना कि इस फिल्म को करना चाहिए था। आपको बताता चलूं मैं कि मैदान, जो कि एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी, अमित शर्मा के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसको प्रोड्यूस किया था जी स्टूडियोज और बोनी कपूर ने, और फिल्म में हमें अजय देवगन के साथ प्रिया मणि नजर आई थी। और दोस्तों फिल्म का जो बजट था वो लगभग 100 करोड़ रुपए का था। फिल्म ने अपने पेड प्रीव्यू से 10 अप्रैल को 2 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए थे। उसके बाद अपने पहले दिन जब ये फिल्म पूरे वर्ल्ड में रिलीज हुई थी तो फिल्म ने 4 करोड़ 50 लाख रुपए का इंडिया से नेट कलेक्शन किया था। तो फिल्म की जो पहले दिन की कमाई थी वो 7 करोड़ 10 लाख रुपए इंडिया से नेट थी, तो वहीं फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ 70 लाख रुपए कमा लिए थे। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 2 करोड़ 80 लाख रुपए का। तीसरे दिन फिल्म ने कमाए थे 5 करोड़ 65 लाख रुपए, और चौथे दिन यानी कि फिल्म का जो पहला संडे रहा वो रहा 6 करोड़ 52 लाख रुपए का। तो फिल्म की जो 4 दिनों की टोटल कमाई है ऑफिशियली वो 22 करोड़ 22 लाख रुपए इंडिया से नेट हो चुकी है। वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 26 करोड़ 45 लाख रुपए हो चुका है। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए हैं, उतनी ज्यादा ओवरसीज से फिल्म कमाई नहीं कर पाई है, लगभग 6 करोड़ 40 लाख रुपए फिल्म ने ओवरसीज से कमाए हैं, और कुल मिला के फिल्म की जो पूरे वर्ल्ड में टोटल कमाई है वो 31 करोड़ 86 लाख रुपए पूरे वर्ल्ड से हुई है। जहां दोस्तों ऑफिशियली 31 करोड़ 86 लाख रुपए पूरे वर्ल्ड में 4 दिनों में फिल्म मैदान ने कर लिए।
वही आता है पांचवा दिन यानी कि आज का दिन, तो 3.5 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए आज ये फिल्म करने वाली है, और फिल्म की 5 दिनों की टोटल कमाई 26 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो जाएगी। तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 37 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई कर रही है। और दोस्तों फिलहाल तो अभी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ नहीं कह सकते हैं कि हिट होगी या फिर फ्लॉप, लेकिन दोस्तों बड़े मियाँ छोटे मियाँ या फिर मैदान, दोनों में आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा।